आरोग्यधाम गोलटोली के संयोजन से खलासी लाइन नगर निगम होम्योपैथी डिस्पेंसरी में आज पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती प्रमिला पांडे महापौर कानपुर नगर उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती प्रिया रहेजा सिटी कोऑर्डिनेटर स्पेल बी शीलिंग हाउस एंड जयपुरिया स्कूल एवं अन्य अतिथि मौजूद रहे। बता दें कि कानपुर की मेयर श्रीमती प्रमिला पांडे ने आरोग्य धाम के द्वारा इस कोरोना काल में लोगों की तन मन धन से की जा रही समाज सेवा की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानपुर नगर के निवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और शहर के चौमुखी विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम कराना बहुत जरूरी है। इस दौरान विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रिया रहेजा ने बताया कि विकास के नाम पर काटे गए बड़े वृक्षों को अगर किसी दूसरी जगह पर आरोपित भी कर दिया जाए तो इसमें वृक्ष को जीवन दान के साथ साथ समाज की बड़ी भलाई की जा सकती है। तो वहीं आरोग्य धाम के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर हेमंत मोहन ने कहा कि जिस रफ्तार से सड़क पर गाड़ियां एवं गांवों में गगनचुंबी इमारतें बन रही हैं, उससे वो दिन दूर नहीं है जब हम सबको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़ेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से GSVM मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अजय शर्मा, रोटरी क्लब ऑफ कानपुर विनायक श्री के पूर्व अध्यक्ष सचिन दीक्षित, सामाजिक कार्यकर्ता अंकित मौर्य, सचिन शुक्ला, अंकित शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। लेकिन तब उनको ये नहीं पता था कि कभी मेरा बेटा इतना बड़ा होगा, जो इसी जहां पर वो पैदा हुआ वहीं आकर अपना जन्म, इसलिए मैं इस बच्चे को इसके जन्मदिन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और देखिए, जब से ये कोरोना महामारी पूरे देश या पूरे हमारे उत्तर प्रदेश या हमारे शहर में है, डॉक्टर साहब ने कई लोगों को, जैसे कि अभी बताया छावड़ा भैया था, 40,000 लोग ठीक होकर चले गए इस अस्पताल से। इसके हाथ में भगवान ने कुछ ऐसा बाबा आनंदेश्वर ने हुनर दिया है कि निश्चित तौर पर, जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर कोरोना भागेगा तो अगर कोरोना का कभी नाम लिया जाएगा, हर बीमारी महामारी 100 साल पर आती है, 100 साल बाद ये बीमारी आई है कोरोना के रूप में, अब 100 साल 150 साल बाद फिर कभी आएगी तो निश्चित तौर पर तब भी हेमंत का नाम लिया जाएगा कि कोई ऐसा डॉक्टर था जो नहीं सोच। आज इसको आरती हमारी आरती चलना आरती हमारी मोहन, इन लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम करके यहाँ पर आए हैं। मुझे याद है कभी, मुझे ये पता है कि निःशुल्क कार्य बहुत करते हैं जो कि किसी को पता नहीं है। हर व्यक्ति जीने के लिए कुछ करता है, लेकिन हमको ये लगता है कि डॉक्टर साहब वो नहीं करते, सिर्फ काम ही काम में दिन भर रहते हैं। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहती हूँ, दीर्घायु हो, ऐसे ही जनता के कार्य करें और भगवान आनंदेश्वर बाबा इनको और ऊँचाइयों पर ले जाए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।